लॉकडाउन के पांचवें फेज के बीच एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की कीमत 64 पैसे और डीजल में 58 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई है, जबकि इससे पहले शनिवार को पेट्रोल के भाव में 66 पैसे और डीजल में 61 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया था। ऐसे में अब पेट्रोल 79.10 रुपये प्रति लीटर तथा डीजल 71.53 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। इसी को लेकर परेशान उपभोक्ताओं का दर्द जाना हमारे संवाददाता बीके शर्मा ने। कोरोना के इस आपातकाल में लोगों के पास रोजी रोटी का संकट मंडराया हुआ है, काम धंधे और रोजगार नहीं है, लेकिन फिर भी पेट्रोलियम कंपनियों ने कीमतें बढ़ाना जारी किया हुआ है। पिछले दो दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगभग 1.30 रुपये पेट्रोल और 1.19 रुपये डीजल के दामों में बढ़ोतरी की जा चुकी है। एक तरफ लोग अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान हैं और दूसरी ओर पेट्रोलियम कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं। आइए लोगों से बात करते हैं कि इस समस्या का से कितनी बड़ी समस्या है। कीमतें बढ़ा रहे हैं, लोगों के पास काम धंधे नहीं है और पेट्रोल महंगा होता जा रहा है। सर, काम धंधे नहीं तो क्या करें बताओ। वैसे बेरोजगार आदमी प्राइवेट धंधे करते हैं, उसमें क्या होगा, 3 महीने से घर पे बैठे अब कुछ ना कुछ करके टाइम पास कर रहे हैं और क्या करें। अभी भी हमारा तो काम बंद पड़ा हुआ है, सिनेमा हॉल में काम करता हूँ मैं, वो 3-4 महीने से बंद पड़ा, पता नहीं कब खुलेगा। सब तो चला रहे 50-50 रुपये पेट्रोल ला के। बिल्कुल नहीं रोजगार है सर हमारे तो। 21 मार्च के बाद जो कंपनी बंद हुई है, हम होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम तो बिहार के रहने वाले हैं। उसके बावजूद भी पेट्रोल के दाम डेली बढ़ रही है यहाँ पर। मैं कुछ ना कुछ डेली नितिन बढ़ते हैं, हमारे मजबूरी काम के लिए निकलना पड़ता है घर से, कभी दबाए किसी राशन के लिए, दूसरे गाड़ी पे कोरोना के कारण हम बैठ नहीं सकते, किसी गाड़ी जा नहीं सकते, और मजबूरी बस जो ले जानी पड़ती है कैसे करके, अपने जेब से रोटी के छोड़ करके और जेब के पैसे लगा करके पेट्रोल के लिए पैसे निकालने पड़ते हैं हमारे। भाई आम आदमी को तो बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि अभी काम धंधे है नहीं, लोग बाग जो है वो किसी के पास किसी तरीके का धंधा नहीं है, उसके बावजूद अगर गवर्नमेंट पैसे बढ़ाती है तो वो तो आम जनता के साथ में नाइंसाफी होती है। तो इस संकट काल में लोगों को राहत की, रोजगार की ज़रूरत है, और ऐसे में पेट्रोलियम कंपनियाँ जो अभी तक 2.5 महीने में उनका व्यवसाय नहीं हुआ था उसकी पूर्ति करने में जुटी हुई है। क्रूड ऑयल की कीमतें कम होने के बावजूद भी लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ये सीधा सीधा उपभोक्ताओं की जेब पर भारी मार है। कैमरामैन विजय मिश्रा के साथ बीके शर्मा, A1 TV, जयपुर।